क्योंकि मसला ही। वैसे मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ कि ये मसला इतना बड़ा है, इसमें फारिग और इवन पार्टीज की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर पार्ट प्ले करना बहुत जरूरी है वोट के लिए। थोड़ा ज्यादा जमा करके मीटिंग करेंगे, 10 लोग 20 लोग है कि जब हम देखते हैं थोड़ा। मैं 5 मिनट और ले लो, या आज किसी ने प्रीच नहीं किया कि वी आर गोइंग टू डू दिस। शायद मेरी नजर में एक ही बात, तब जब ये कहा गया 70 साल पहले, इसके पीछे लोगों की ताकत नहीं, शायद उसका वैल्यू, अदरवाइज बातें किसको करनी नहीं आती। लेकिन ये देखना है कि हम भी, सभी मीडिया देखते होंगे, जितने भी हमारे लोग आते हैं मीडिया पे बात करते जो मैं उसमें ऑफिशियली बाहर आई, दैट इज आज जो मीटिंग हमारी थी, कुछ लीडर्स हमारे जो नज़रबंद थे, घरों में नज़रबंद थे, तो उनको 2-3 दिन पहले उनको रिहा किया गया। तो उसी सिलसिले में हमने आज ये पहली मीटिंग, 14 महीने के बाद ये मीटिंग हमने बुलाई थी यहाँ, आपस में इंट्रैक्शन हो और देखेंगे कि पार्टी के हवाले से देखेंगे कि आइंदे का लाहेमल क्या हो। बिल्कुल स्टैंड है हम उस जो गुपकर डिक्लेरेशन जो है उसके हम पाबंद हैं, उस पर हम भी एक सिग्नेटरी, हमारी प्रेजिडेंट भी है उसके पाबंद। वही अफसोस की बात है, यही समझ में नहीं आता है कि बीजेपी वाले क्यों ऐसा सलूक करते हैं हमारी पीडीपी के साथ या पीडीपी के प्रेसिडेंट के साथ। सबों को रिहा किया गया, पॉलिटिकल लीडरों को रिहा किया गया, जो घरों में नज़रबंद थे उनको रिहा किया गया, तो लेकिन उससे पीएसए नहीं हटाया जा रहा है। क्यों नहीं हटाया जा रहा है ये तो वो जाने, शायद कोई डर लगता है उनको महबूबा जी से, उसी वजह से वो नहीं हटा। हमारा स्टैंड, हम चलेंगे, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, उनकी गाइडेंस में करेंगे। जब तक वो बंद हैं, जब बाहर निकलेंगी तो वो खुद इसका ये डायरेक्शन देंगी। हमारा स्टैंड बिल्कुल ये है कि 370 को रेस्टोर किया जाना चाहे, हम उसके लिए जद्दोजहद करें। देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा जो हमारी पार्टी का मौकफ़ है, हम गुपकार डिक्लेरेशन के पाबंद हैं।